बंद कर ले सर। और अपने आप को अपने अल्लाह के हजूर पेश कर दे। आप है और आपका अल्लाह वो देख रहा है, कर्म कर रहे हैं। इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश है, इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश है, वादे रहमत की बारिश ही बारिश है। अपना अपना दर्द याद करें और दिल में 5 दफा अली हक पढ़े। अल्लाह 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 आंखें खोल दे।
अल्लाह का मतम सावरे बनी मेरा मौजा दरिया खोलो रहने गली मेरा मौजा दरिया खोलो रहने गली अल्लाह का मतम सावरे बनी अल्लाह का मतम सावरे बनी
कमल आंटी ने दिए जो सोफिया लाई थी। Oh.
Yeah.
तुम लोगों की जुबान में, दुनिया वालों की जुबान में तो औथरा नखतरा है, लेकिन रब ने आज तक उसका दिया जलाया हुआ है, उसने उसका जिक्र किया, वो उसका जिक्र करा रहा है। वो तो नहीं देता, वो तो तकसीम करने वाला है। वो ईमान की दौलत तकसीम कर गया, आज मेरे जैसे कई मुसलमान बने फिरते हैं, घर में पैदा होते साथ ही अम्मे अब्बा ने बताया मुसलमान, तो ये आज ही खैर से सईदना बिलाल और सईदना अबा बकर सदीक जैसे मुसलमान क्या हो गए, चार नमाजें पढ़ के, वो तो शिमर भी पढ़ लेता, उसकी भी दाढ़ी थी, वो भी हाफिज था, उसके माथे पे भी मेहराब था। नहीं, वो जो अहले बैत की मोहब्बत है, वो जो मोहम्मद अरबी का रब है, वो मोहम्मद अरबी ही जानता। हम उन्हें नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते उस रब को, हमने उनके पीछे खड़ा होना है। पीछे खड़े हो तो वहां अली खड़े हैं, वहां हसन खड़े हैं, हुसैन खड़े हैं, पीछे आए तो 1,24,000 किलोमीटर खड़े हैं, पीछे आए तो दादा साहब सफों में पीछे आते आते कहीं बाबा मौजे दरिया खड़े हैं, 300 साल पहले ये बाबा बादशाह अकबर के दौर के हैं, फिर आगे चलते चलाते आज बाबा जी सफदर बुखारी का पैगाम मोहब्बत आप तक पहुंचा, दुनिया ने उनका नाम भी पीर का किताब रखा, पीरा मंडी का पीर, फलाना दीन, फलाना दीन, सूरह रहमान का मैसेज आपको दे गए, शिफा बट रही है पूरी दुनिया में, नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम सुनता है तो शिफा याब हो जाता है, कोई बीमारी नहीं रह गई। मैं मेडिसिन का प्रोफेसर होकर गवाही दे रहा हूँ कि खुद मैं जिस बीमारी का शिकार हो गया, हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं था, उसके कलाम को उनके हुक्म के मुताबिक, उस अल्लाह के बंदे ने ही कोई राज खोला, और साथ हंस के बताया बाद में कि ये 3 बार अल्लाह मुझे बाबा मौज दरिया से मिला है। हम इन लोगों का क्या देन देंगे, ये तो फैज दे गए और इनका फैज आज तक बट रहा है, आप इनको सिर्फ सलूट करने आते हैं, इधर से मांगना क्या है, ये तो बताते थे कि हम भी उससे मांगते हैं, तुम भी उससे मांगते, वो रब आज भी जिंदा है, ये उसी के साथ जावेदा है, जहां जहां रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल लिल आलमीन है, कोई माई का लाल अलहदा करके दिखा सकता है तो मुझे दिखा, जहां जहां रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल लिल आलमीन है, अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह है तो रहमतुल लिल आलमीन भी उसके साथ होंगे, वो खुदा तो नहीं है लेकिन उससे जुदा नहीं है, और ये सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं, उसी कमली के, इन्हीं की दुआओं के सदके आज हम मुसलमान बने फिरते हैं। आज फिर उम्मत में कड़ा फर्क है, किसी ने मुझे कहा ये काफियों को चादरें तो दिला दो, मैं कहा ये करबल वाले की बेटियां हैं, इनकी चादरें ये नहीं ले रही, ये कहती है अगर उम्मत को चादर मिल गई इज्जत की तो हम भी ले लेंगे, अब उतर ही गई है तो कोई नहीं, मेरी उम्मत को, मेरे नाना की उम्मत को चादर दे जाए, वो जी उसके बाद हम भी लेंगे। इनके तो किसी ने बाल नहीं देखे थे, जिस सईदा के दर के आज गुलाम है, आज भीख मांग रहे हैं, कह रहे आओ सईदा के दर पे, आओ सईदा के दर पे, नबी आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन जी, उनका तो किसी ने बाल नहीं देखा था, उसकी बेटियों का भी नहीं देखा था, किसने चादरें खींची, कौन थे वो, नाराए तकबीर लगा रहे, नाराए रिसालत लगा रहे, कलमा पढ़ रहे थे, दुरूद पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन हुसैन कह भी रहे थे लोगों मुझे पहचानो, लोगों मुझे पहचानो, नबी क्या कह गए थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, सूरह आले इमरान की आयत गवाह है कि वो झूठे नहीं है, हुसैन कह रहे थे मुझे पहचानो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, तो ये नहीं कह रहे थे कि मैं हुसैन हूं, कह रहे थे पहचानो मैं कौन हूं, क्या करने लगे हो, लेकिन हो गया जो होना था, मुनाफिकों और फाजरों और फास्कों के हाथों जो हुआ वो हो के रहा, हम अपनी तई मुसलमान और मोमन बने हुए हैं, अपने अपने गिरेबान पकड़ के पूछो क्या खुदा है, क्या हम मानते हैं खुदा को, अगर हम खुदा को मानते होते तो एक खुशी होती, किसी की जरूरत ना होती, काली हाथ भी हमारी तरफ देखने की, आज हम 2 अरब हैं और पिस रहे हैं, जलील हो रहे हैं, अपनी माओ बहनों के लिए कहीं नहीं जा सकते, सड़क पे निकल के जुलूस नहीं निकाल सकते, क्यों ये वक्त आ गया, अल्लाह की नमाजें पढ़ रहे हो, तस्बीहां पढ़ रहे हो, तो इकबाल ने अभी नहीं कहा था हिंद में है मुल्ला को सजदे की इजाजत, नादान समझता है इस्लाम आ रहा था, इस्लाम एक निजाम का नाम था, कुरान का नाम है, कुरान को अदालत में लगाने का नाम है, इंसाफ गरीब और अमीर के लिए बराबर करने का नाम है, क्या ऐसा ही है, क्या हमारे घरों में भी ऐसा है, हमारे मोहल्लों में ऐसा है, हमारी मस्जिदों में ऐसा है, या हमारे दीवानों में ऐसा है, हमारे इदारों में ऐसा है, अफसोस के नहीं,
आज सुवाए दुआएं करने के, मजबूरों के पास उस रब के पुकारने के, और जैसे इन लोगों ने पुकारा इनके दरों पे आके इनके वास्ते से रब इनकी नहीं डालता, इनकी याद रखता है। ये तो उससे जुड़े हुए हैं, जवाब वही देता है। इधर सलूट करने आते हैं, जैसे आप सुनते हैं ना टीवी पे, वजीरे आजम ने हलफ उठाया और कायदे आजम के दरबार पे जाके हाजिरी दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हलफ उठाया और शोहदा की यादगार पे फूलों की चादर चढ़ाई और कराचे तहसील पेश किया। किस चीज का पेश किया? उनकी कब्रों पे क्या लेने जाते? यही के शुक्रिया मेजर अजीज बड्डी तू रात तक डटा रहा, आज मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुल्क है, ये फौज है। इन्होंने भी कुर्बानियां दी, इन्होंने भी कुर्बानियां दी, घर बार बीवी बच्चे की हक पे डटे रहे, पर आज इस शहर में हक का बोलबाला है। आज कम से कम तुम लोग अल्लाह रसूल का नाम जानते हो, आज कम से कम तुम अली के नारे लगा रहे हो, फर्क आज भी वही है जो करबला में था। नारा तकबीर और नारा रसालत ये तो शिमर की फौज भी लगा रहे, नारा अली नारा हैदरी सिर्फ एक तरफ से आवाज आ रही, वही हक और बातल की पहचान, वही हक और बातल में तमीज। दोनों लश्करों से नारा तकबीर लग रहा था, दोनों तरफ से नारा रिसालत लग रहा था, दोनों तरफ से अजान बुलंद हो रही थी, दोनों तरफ से अशहद अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आ रही थी, लेकिन जब लगता था नारा हैदरी सिर्फ हुसैनियों की तरफ से, ये शिया और सुन्नी की बात नहीं है, ये हक की बात है, क्योंकि हक और अली कभी जुदा नहीं, ये मेरे नबी सोने ने फरमाया, यही पहचान। अली अकेले भी जा रहे हो उसके पीछे चले जाना, अली कभी गलत नहीं होगा, अली और हक कभी जुदा नहीं हो सकते, यही पहचान आज भी है, यही नारा आज भी है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, या मेरे मौला तू हक कर दे, तू ही हक है और हम तुझे ही पुकारते हैं, जो हक और सच है अब वो कर दे।